महज इक्कीस साल की उम्र में ही 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत में शीर्ष नंबर पर आने वाली एना वेनिल पर इस बार पूरे भारत देश भर की निगाहें टिकी हैं आज हमारे साथ मौजूद है एना वेनिल के पेरेंट्स उन्हीं से जानते हैं कि सर एना वेनिल का संघर्ष और किस तरीके उनकी की उनकी मेहनत रही कि आज वे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयार हो पाई हैं शी स्टेड हर कैरियर फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद फ्रॉम द स्कूल एंड नाउ टू ओलंपिक In this last six, seven years work she has kept and she has gone to up to this level. For this, Sanskardam made a footpath and it seeded the seed there, and now it is grown and we are going to get fruits from this Sanskardam. Sanskardam gave very good effort and support and basement for her career. Illa utilized that one and she came to now participating for India and bring ग्लोरी टू अवर नेशन कंट्री ये सुबह पाँच बजे घर से निकलती थी और कोच और वो सुबह इधर प्रैक्टिस छः बजे चालू कर देते थे छः बजे से आठ बजे तक प्रैक्टिस करेगी देन शील गो टू तो द स्कूल वापस दोपहर में लंच संस्कार दाम में कह के वही रेंज में फिर से प्रैक्टिस करती थी रात को घर पूजना सात आठ बज जाता था बट शी टूक द चैलेंज और हार्ड की थी दैट मेड हर टू रीच अप टू टोक्यो टूडे हमको बहुत प्राउड लग रहा है और इसी मिट्टी में से वो स्टार्ट की थी उसकी कैरियर अब शी इज देयर अप टू ओलंपिक हमको नेशन को प्राइड लाना है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वो कुछ लाएगी अपना कंट्री के लिए अपना स्टेट के लिए अपना संस्कारधाम के लिए बिल्कुल एलावेनिल के पेरेंट्स के साथ साथ ना केवल गुजरात भर के लिए बल्कि देश भर के लिए एक रोमांचिक सफर होने वाला है और देश भर की निगाहें एलावेनिल के का स्पोर्ट्स पर टिकी हुई हैं अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि हर जिस तरीके से पिछला उनका स्पोर्ट्स में प्रदर्शन रहा है तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भी उनका अच्छा ही प्रदर्शन रहेगा सहयोगी भार्गत त्रिवेदी के साथ सुमन बुराना डी न्यूज़ अहमदाबाद